हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभा खत्री आज आपके लिए कोई न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए कोई ट्रेडिशनल रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं एक रोटले की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे मैं बाजरे के आटे से बनाने जा रही हूँ और इसमें मैं भाजी और गार्लिक ऐड करूंगी, इसलिए इसे लसनिया भाजी रोटला कहते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और विंटर में तो इसे खाने का मजा ही कुछ और है। तो आप इस रोटले की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम बनाते हैं लसनिया भाजी रोटला। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लसनिया भाजी रोटला। ये रोटला मैं बाजरी के आटे से बनाने जा रही हूँ और भाजी में मैंने मूली के पत्ते लिए हैं। विंटर सीजन में बहुत ही हेल्दी होता है रोटला, तो मैंने उसके लिए लिया है मूली की भाजी। 1 कप मैंने मूली की भाजी ली है, उसे वॉश करके और मैंने बारीक चॉप कर लिया है। फिर मैंने बाजरी का आटा लिया है 1 बाउल। लहसुन ली है, ये लहसुन लिया रोटला है इसलिए इसमें लहसुन ज़्यादा जाएगी। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया है। ग्रीन चिली ली है मैंने 1 टेबल स्पून। जीरा लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। गरम मसाला लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून। सॉल्ट हमें टेस्ट के अनुसार लेना है और कुकिंग ऑयल लिया है हमने रोटला बनाने के लिए। रोटला बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे, उसके लिए मैं बाजरे का आटा ले लूँगी। अब इसमें सॉल्ट डाल लेंगे। जीरा डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला आपको टेस्ट के अनुसार डालना है। रेड चिली पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, ग्रीन चिली डाल देंगे। आप ग्रीन चिली और रेड चिली अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। लहसुन मैंने पीस के रखी है, उसे डालेंगे। लहसुन इसमें ज्यादा पड़ती है इसलिए लहसुन मैं डाल रही हूँ पूरी, आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से। आप ये रोटला जब भी बनाए आटा तभी लगाना है आपको, क्योंकि बाजरी का आटा है तो बाद में ये रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। अब आटे में हम ऑयल डालेंगे। लगभग 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। विंटर में ये रोटला बहुत ही हेल्दी रहता है, आप इसे किसी भी भाजी के साथ, कढ़ी के साथ ले सकते हैं या फिर दाल के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। अब इसमें मैं मूली की भाजी डालूंगी। पहले इसे अच्छी तरह से मसल लेना है क्योंकि भाजी अपना पानी छोड़ेगी, फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे। भाजी मैंने थोड़ी ज्यादा ली है इसमें, मसाले और भाजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ पे गुनगुना लिया है, गुनगुना पानी से इसका रिजल्ट अच्छा आता है। ये रोटी इमीडिएट बनेगी इसलिए मैंने तवा गरम करने रख दिया है गैस पे। इसका एक टाइट दो बांधना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है हमें। इस तरह से अच्छे से हाथों से मौस लेना है हमें। देखिए मुझे बिल्कुल भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ी है। रोटला बनाने के लिए हमारा आटा रेडी है। अब हमारा आटा रेडी हो चुका है, अब हम रोटी बना लेते हैं इसमें से। क्योंकि हम रोटला बना रहे हैं इसलिए थोड़ा बड़ा पेड़ा लेंगे हम। इसे अच्छी तरह से हम एक जैसा कर लेंगे। अब हम चकले पे थोड़ा ड्राई आटा डालेंगे। ये आटा भी मैंने बाजरी का ही लिया है। इसे भी टर्न कर लेंगे, चारों तरफ हम ड्राई आटा लगा लेंगे अच्छे से और इसे बेल लेंगे हम। क्योंकि बाजरी का आटा है इसलिए आसपास से थोड़ा फटता है, लेकिन हमें इस तरह से इसे जॉइंट करते हुए और बेल लेना है।
देखिए रोटले को मैंने बेल दिया है। अब तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम रोटले को सेक लेंगे। हमारा गर्म हो चुका है, इस पर हम पहले ऑयल लगा देंगे, क्योंकि हमारा मसाले वाला रोटला है इसलिए हम इसे ऑयल में सेकेंगे, जिस तरह से हम पराठा सेकते हैं। अगर हम रोटी बनाते हैं तो उसे हम घी में सेकते हैं। अब इस पर मैं रोटला डाल दूंगी, इसे एकदम धीमी आंच पे सेकना है हमें। 5 मिनट मैंने रोटले को सेक लिया है, अब इसे टर्न कर देंगे हम। इस पर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूंगी, फिर इसे टर्न कर दूंगी। अब इसे सावधानी से टर्न कर देना है हमें। देखिए कितना अच्छा सिक चुका है ब्राउन। अब इसे दूसरी साइड से भी सेक लेना है हमें। अब हम इस साइड भी ऑयल लगा देंगे और इसे टर्न कर देंगे। दोनों साइड हमें ऑयल लगा के और सेक लेना है अच्छे से। अब आप देख सकते हैं हमारा रोटला कितना अच्छा क्रिस्पी हो चुका है और सिक चुका है पूरी तरह से। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हमारा लसनिया भाजी रोटला। इसे मैंने मूली की भाजी के साथ और दही के साथ सर्व किया है। तो आप इस विंटर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।